नमस्कार। आज की चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे साइन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के ऊपर कौन कौन से चिन्ह का हम यूज करते हैं। आईपीएससी की परिपाटी के अनुसार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ युग्मित करने पर यदि इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है तो इलेक्ट्रोड को धनात्मक चिन्ह का यूज किया जाता है। अगर वहां पर अपचयन की विक्रिया हो रही है तो धनात्मक चिन्ह का उपयोग करेंगे। और इसी प्रकार से यदि माना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के संदर्भ के रूप में यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो इलेक्ट्रोड विभव को ऋण चिन्ह के द्वारा माने नेगेटिव साइन के द्वारा यूज किया जाएगा। उपरोक्त सेल में धातु इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है अतः इलेक्ट्रोड विभव ई Mn प्लस या Mn माइनस धनात्मक और ऋणात्मक का चिन्ह का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं। जैसे जिंक, जिंक में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि Zn और Zn प्लस 2H प्लस A इक्वल टू 0, एक्टिविटी 0 है और ऐसी कंडीशन में ये सेल इक्वेशन लिखी हुई है। इलेक्ट्रोड तथा सेल अभिक्रिया निम्न प्रकार लिखी जा सकती है। एनोड पर Zn प्लस इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे, Zn प्लस 2 बन रहा है। इसी तरह कैथोड पर 2H प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। इसी तरह सेल अभिक्रिया क्या हुई, Zn प्लस 2H प्लस इक्वल टू Zn प्लस 2 प्लस प्लस H2 के रूप में रिप्रेजेंट कर। क्योंकि Zn इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है अतः Zn प्लस 2 Zn ऋणात्मक होगा। अन्य सेल के लिए PtH2 इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर एनोड में H2 इक्वल टू 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। कैथोड पर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, कॉपर आयन कॉपर में चेंज हो रहा है। सेल अभिक्रिया होगी H2 प्लस Cu प्लस 2 इक्वल टू Cu प्लस 2H प्लस। चूंकि कॉपर का यहाँ पर अपचयन हो रहा है अतः धनात्मक इलेक्ट्रोड का यूज किया जाएगा, धनात्मक चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। यहाँ ये देखना जरूरी है कि इलेक्ट्रोड विभव अपचयन अभिक्रिया के लिए लिखा जाता है, इसे अपचयन विभव भी कहते हैं और इसको Mn प्लस के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। अन्य संदर्भ इलेक्ट्रॉन के रूप में उपयोग किया जाता है, इसे केलेमिलस इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड के रूप में। तो इसके लिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब क्या हो गया कि एक सीरीज बनी हुई है जिसे चिन्ह के लिए परिपाटी के अनुसार माना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ युग्मित पर की बात करें तो युग्मित में इस तरह लिखा जाता है। और अब देखो इसमें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या चीज है, पहले तो इसमें जब आक्षी करो तो अपचित अवस्थाएं एक सक्रियता पे हैं तो इलेक्ट्रोड विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होगा। यदि कोई इलेक्ट्रोड अर्ध सेल अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका विभव ऑक्सीकरण विभव हुआ, तथा यदि अर्ध सेल अभिक्रिया के इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है तो उत्पन्न विभव अपचयन विभव कहलाया जाएगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE की तुलना में विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए जिन्हें मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इनको हाइड्रोजन स्केल के रूप में मानक विभव को एक व्यवस्थित रूप से जमाने पर प्राप्त होने वाली श्रेणी के विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रिय श्रेणी कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल माने इलेक्ट्रोड विभव के मान सदैव अपचयन विभव के रूप में लिखे जाते हैं, अतः विद्युत रासायनिक श्रेणी में अपचयन विभव के मान उसके बढ़ते हुए मान के आधार पर व्यवस्थित कर एक श्रेणी बनाएगी जिसे मानक परिस्थितियों में विभिन्न तत्वों के मान स्थिर होते हैं। अतः मानक इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड के तत्व का निश्चित गुण है। 298 केल्विन पर कुछ इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभव उसके अपचयन क्रिया की सारणी के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह की ये सारणी जो देखने को मिलती है, जैसे लिथियम, लिथियम प्लस, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, लिथियम बन रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन विभव ये होगा। तो सभी इस तरह कैल्शियम के लिए, पोटेशियम के लिए, सोडियम के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, जिंक के लिए, Fe के लिए, लेड के लिए, निकल के लिए, स्टेनस के लिए, ले प्लेटिनम के लिए, सिल्वर के लिए, इस तरह अलग अलग इलेक्ट्रोड विभव का हम यूज करते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो पदार्थ हाइड्रोजन से अधिक प्रबल अपचायक होते हैं वे पदार्थ में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होते हैं और उनके मानक अपचयन विभव के मान ऋणात्मक होते हैं। जितना अधिक ऋणात्मक होगा वो उतना ही अधिक प्रबल अपचायक होगा, क्योंकि जबकि हाइड्रोजन में कम प्रबल अपचायक पदार्थ श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होता है और उसे धनात्मक होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की अपचयन क्षमता ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं के धन विद्युतीय लक्षण घटते हैं। श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर पदार्थ की आक्षेपण क्षमता बढ़ती जाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की ऋण विद्युतीय क्षमता बढ़ती जाती है।
श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अधातुओं की सक्रियता बढ़ती जाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग और सार्थकता क्या है, एप्लीकेशन क्या है, वो पदार्थ जो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके मानक हाइड्रोजन विभव पर न्यूनतम मान प्रदर्शित करता है वो पदार्थ प्रबलतम अपचायक कहलाता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके मानक विभव का अधिकतम मान प्रदर्शित करता है वो पदार्थ सबसे प्रबल अक्षीकारक है। श्रेणी में इस आधार पर लिथियम सबसे अधिक अपचायक है और क्लोरीन सबसे अधिक अक्षीकारक है। सारणी में लिथियम उच्चतम धन विद्युत की गुण प्रदर्शित करते हैं जबकि क्लोरीन न्यूनतम धन विद्युत की गुण प्रदर्शित करते हैं। तत्वों का विस्थापन, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर विद्यमान तत्व अपने से नीचे स्थित सभी धातु आयनों को उनके विलयनों में विस्थापित करके उन्हें धातु के रूप में अवक्षेपित कर देता है। और जब जिंक धातु कॉपर सल्फेट में डालने पर कॉपर अक्षेपित हो जाता है, जेडन कॉपर सल्फेट के जेडन SO4 बन जाता है, कॉपर अक्षेपित हो जाता है। जबकि विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील तांबे जैसी लाल हो जाएगी अर्थात यहाँ पर नीले रंग के रूप में अक्षेपित होगा, मानी कॉपर सल्फेट में Fe डालने पर FeSO4 बन जाएगा तो नीले रंग से कैंसा रंग में परिवर्तित हो जाता, हरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। इसके विपरीत अधातु तत्व जो नीचे की ओर स्थित है नीचे ओर है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और अपने से ऊपर विद्यमान तत्वों को उसके विलयनों में विस्थापित होगा, अतः ब्रोमीन आयोडीन को और क्लोरीन ब्रोमीन को और आयोडीन दोनों को विस्थापित कर देता है अर्थात Br2+2Ir2Cl2+2Br=2Cl-Br2Cl2+2I2Cl- और I2। अम्लों में से धातुओं द्वारा हाइड्रोजन गैस का मुक्त होना, जिस तत्व का मानक विभव का मान अधिक ऋणात्मक होगा उस तत्व के तनु अम्लों में हाइड्रोजन गैस मुक्त करने की प्रकृति उतनी ही अधिक होगी। ये कारण है कि आदि तत्वों में पुराने तत्वों में तनु अम्लों से क्रिया करके और हाइड्रोजन गैस देते हैं, परंतु यदि आदि तत्व तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करें तो हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। किसी सेल का विद्युत वाहक बल की गणना की जा सकती है ई सेल इलेक्ट्रोड कैथोड माइनस एनोड अर्थात Zn+2 A=1 copper A=1 copper। सारणी में ई सेल E copper+2 copper - E Zn/Zn+2 0.34 - 0.74 माने 110 वोल्ट इसकी वैल्यू होगी। रेडॉक्स अभिक्रिया के संपन्न होने की संभावना, ये तभी संभव होगी जब दो इलेक्ट्रोडों से बने सेल के विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक होगा अर्थात उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट और जिंक के अभिक्रिया करें कॉपर एक्वस और जिंक सल्फेट बन जाएगा कॉपर कॉपर प्लस टू जेडन जेडन प्लस टू माने की तो हम जानते हैं कि ई सेल माइनस कैथोड माइनस एनोड तो कैथोड 0.76 - 0.34 अर्थात इसकी वैल्यू हम यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक है अतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी अर्थात सेल अभिक्रिया क्या होगी इसकी उल्टी होगी माने जेडन पहले आएगा जेडन जेडन प्लस टू कॉपर कॉपर प्लस टू यहाँ पर एक्स तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी +1.10 संपन्न होगी तो जेडन प्लस और कॉपर प्लस जेडन प्लस और कॉपर सल्फेट। विद्युत अपघटनी और गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं या इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल, वे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है या विद्युत ऊर्जा द्वारा सेल की रासायनिक क्रिया की जाती है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, जैसे जल का विद्युत विश्लेषण धातुओं की विद्युत अपघटनी परिष्करण आदि। इस प्रकार के वे सेल जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है या दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उन्हें विद्युत रासायनिक सेल या गैल्विन सेल कहते हैं, जैसे सुस्त सेल डेनियल सेल इसके उदाहरण है। उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल सेल, उत्क्रमणीय सेल में गैल्विनिक सेल जिसमें इलेक्ट्रोडों पर अभिक्रिया तब ही होती है जबकि जब सेल से विद्युत धारा प्राप्त की जाती है यानी कि इलेक्ट्रोडों को बाह्य परिपथ में तार द्वारा जोड़ा जाता है। ऊष्मागतिकी के अनुसार वे अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं जिनमें प्रेरक बल विरोधी बल के अत्यंत सूक्ष्म अंतर होता है, माने प्रेरक बल विरोधी बल में कम अंतर होता है। यदि विरोधी बल प्रेरक बल की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म अधिक कर दिया जाए तो प्रक्रम उत्क्रमित हो जाता है। उत्क्रमणीय सेल और वह उसकी शर्तों की पालना करने के लिए सेल के रूप में डेनियल सेल एक अच्छा उदाहरण। ऊपर बताई गई शर्तों को यदि एक सेल के संदर्भ के रूप में देखें तो सेल के विद्युत वाहक बल से अत्यंत सूक्ष्म कम विद्युत वाहक बल का एक बाह्य स्रोत सेल्स के विपरीत दिशा में जोड़ दिया जाए तो सेल के अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में धारा प्राप्त की जा सकती है। यदि विपरीत दिशा में लगाया गया विद्युत वाहक बल सेल के विद्युत वाहक बल के समान है तो कोई विद्युत धारा प्राप्त प्रभावित नहीं होगी। यदि विरोधी विद्युत वाहक बल और बढ़ा दिया जाए तो धारा विपरीत दिशा में प्रभावित होती है और सेल अभिक्रिया उत्क्रमित रिवर्स हो जाएगी।
इन शर्तों की पालना करने वाले सेल उत्क्रमणीय सेल कहलाएंगे। यदि सेल इन शर्तों की पालना नहीं करता है तो वह अनुत्क्रमणीय सेल कहलाएगा। डेनियल सेल एक उत्क्रमणीय सेल है। इस सेल में विपरीत दिशा में कार्य करने वाले स्रोत से जोड़ देते हैं जिसका विद्युत वाहक बल सेल की विद्युत वाहक बल से अत्यंत सूक्ष्म कम हो तो सेल की अत्यंत सूक्ष्म धारा प्राप्त की जा सके। इस स्थिति में सेल अभिकीर्ण निम्न प्रकार होगी। कॉपर जेडन इस प्लस कॉपर प्लस इस टू जेडन प्लस टू कॉपर निकल जाएगा। यदि ब्राइट स्रोत से विद्युत वाहक बल सेल की विद्युत वाहक बल के समान होता है तो कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है और सेल अभिक्रिया निम्न प्रकार से प्रभावित होती है। यदि ब्राइट स्रोत में विद्युत वाहक बल सेल की विद्युत वाहक अत्यंत सूक्ष्म अधिक कर दिया जाए तो धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है अर्थात सेल निम्नानुसार इसमें अभिक्रिया किस तरह होगी। इस तरह होगी जेडन इस जेडन प्लस टू कॉपर और जेडन और कॉपर इससे अभिक्रिया पूर्व के अभिक्रिया विपरीत दिशा में प्राप्त होती है तो डेनियल सेल एक उत्क्रमणीय सेल है दोनों तरफ होगी। ये सेल उदाहरण के रूप में देखिए तो जेडन H2SO4 और कॉपर जेडन और कॉपर तारों को तार द्वारा जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन की ओर प्रवाहित होगी। इसे निम्न अभिक्रिया जेडन जेडन प्लस टू और दो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ग्रहण करेगा और हाइड्रोजन बना लेगा। सेल अभिक्रिया होगी जेडन प्लस टू एच प्लस इज इक्वल टू जेडन प्लस और एच टू। अच्छा एच टू गैस जेडन इलेक्ट्रोड पर निकलती है। इस सेल में यदि ब्राई परिपथ से ब्राई स्रोत से विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा में लगाया जाए तो धारा की दिशा में परिवर्तित हो जाती है परंतु इलेक्ट्रोड और सेल अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया कॉपर इज इक्वल टू कॉपर प्लस टू प्लस टू इलेक्ट्रोड। सेल अभिक्रिया टू एच प्लस इज इक्वल टू दो इलेक्ट्रॉन एच टू कॉपर प्लस टू एच प्लस इज इक्वल टू कॉपर प्लस और एच टू। ये अभिक्रिया पूर्व अभिक्रिया के विपरीत नहीं है क्योंकि ये सेल उत्क्रमणीयता की शर्तों का पालन नहीं करता है अतः ये एक अनुत्क्रमणीय सेल का उदाहरण है। तो ये हमारे पास था मेन की सेल और उससे रिलेटेड जो डिस्कशन। धन्यवाद।